फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टील से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे बहुत बड़े साइज का यहां पे ग्रिल है। तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, अपने घरों में लगाना चाहते हैं स्टील का ग्रिल, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप अगर अपने घरों पर स्टील का ग्रिल लगवाना चाहते हैं, इस टाइप का बड़ा बड़ा अगर आपके पास ग्रिल लगाने की जगह है, तो यहाँ पे आपको एक प्राइस का अनुमान मिल जाएगा। और बड़े साइज का यहाँ पे बहुत सारे मैंने छोटे छोटे ग्रिल के वीडियोस बनाई है, जहाँ पे आपके घरों पे यूज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बड़े साइज का है, जो कि बहुत ज़्यादा घरों में यूज होता है इस टाइप का। और बहुत कोई क्या है, रेलिंग वगैरह भी लगवाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ को मैं कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूंगा कि बालकनी वगैरह का जो रेलिंग होता है वो क्या सिस्टम से होता है, और ये हमारे पास है ये ग्रिल है, तो ये क्या सिस्टम से होगा। तो इस दोनों में आपको कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। आप सबसे पहले इस ग्रिल का यहाँ पे साइज को देख लीजिए कि ये साइज कितना है। यहाँ पे मैं इसका हाइट के दिखा सकता हूँ, तो इसका हाइट देख सकते हैं, यहाँ पे 32 इंची इसका हाइट है। यानी इसको आप एक रेलिंग का हाइट मान सकते हैं, एक बालकनी में जो रेलिंग लगता है ये इसी साइज का ज्यादातर यहाँ पे साइज का लगता है। और इसकी लंबाई अगर मापे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग ये 10 फुट का पक्का यहाँ पे आ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 10 फीट का ये ग्रिल है। अगर आपके घर पे बालकनी है या फिर बालकनी पे अगर आपको रेलिंग लगवाना है, तो बहुत जगह पे क्या होता है, रेलिंग जो बनते हैं अलग अलग डिज़ाइन के, वो आपके घर पे जा कर के काम किया जाता है, और वो रनिंग फिट में उसकी माप होती है। यानी यहाँ से हम इसको लंबाई को सीधा मापेंगे, ये 10 फीट है, तो 10 रनिंग फीट आपका हुआ। इसमें चौड़ाई का माप नहीं होता है, क्योंकि चौड़ाई का जो हाइट होता है रेलिंग का, वो 34 इंची के आसपास रेलिंग का आपका हाइट होता है, तो ये उसी साइज का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इस ग्रिल का, तो ये जो ग्रिल बना हुआ है, ये आप अगर इस टाइप का लगवाते हैं, तो ये हमारे वर्कशॉप में बना है, यहाँ पे हमारे गैरेज में इसको तैयार किए हैं, ये जगह पे जाने के बाद वहाँ पे फिटिंग हो जाएगा। तो ये जो हमारा बना है, ये वज़न के हिसाब से बना है तो हमारे पास। लेकिन अगर आप अपने घर पे रेलिंग लगवाते हो, तो वहाँ पे आपको रनिंग फिट में मापा जाएगा। रनिंग फिट में अगर कन्फ्यूज़न है, तो मैं बता दूँ कि सभी जगह पर अलग अलग रेट होते हैं। तो ये हमारा 202 ग्रेड का ये स्टील है, 18 गेज का है। तो अगर इस टाइप का अगर आप यहाँ पे बंगाल, जैसे वेस्ट बंगाल में हमारे यहाँ पे जो रेट चल रहा है, लगभग यहाँ पे 400 से 450 रुपये रनिंग फिट में आपको ये 202 ग्रेड का यहाँ पे बन जाता है रनिंग फिट में। और अगर हम इसको वज़न की बात करें कि हम लोग इसको वज़न में किस तरह से लेते हैं और किस तरह से बनाते हैं, तो ये हमारे पास, इसको पहले हम लोग इसको वज़न कर लेते हैं, उसके बाद इसको प्राइस को भी देख लेंगे कि इसका प्राइस को कितना होता है। इसका जो वजन आया है 17 किलो 700 आया है, तो हम लोग इसको वजन में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 202 ग्रेड का इसका वजन की बात करूँ कि पर केजी कितना होता है, तो हम लोग यहाँ पे 400 से 450 रुपए केजी में लगभग मिल जाता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका प्राइस कितना हुआ होगा। और अगर आप रनिंग फिट में बनवाते हो, तो वहाँ पे आपके घर पे जाके काम होता है, वो भी 400 से 450 रुपए स्क्वायर फीट में आपका लगभग बन जाता है। यहाँ पे मैं 304 ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, 304 ग्रेड का थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।